ये हम उतार रहे हैं पीपी, आप ध्यान से देखना, ये मेरी गाड़ी पड़ा हुआ देखे डेंट, ये देखना है मुझे। उतार भाई उतार, क्या नाम है तुम्हारा? अब देखते हैं पेंट भी निकलता है निकलता है। देखिए जैसे हमने ये पीपीएफ रिमूव किया यहाँ से मेरी गाड़ी में जो ये भैया 360 डिग्री देख रहे हो अभी ये। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल, मैं आपका कुलदीप कौशिक। जैसे कि आपको पता है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उस हिस्से को मैंने पेंट करा लिया था, और पेंट कराते हुए मुझे उस हिस्से को पीपीएफ को रिमूव करना पड़ा था, और पीपीएफ रिमूव होने के कारण क्या हुआ था कि अब मुझे उस जगह पे दोबारा पीपीएफ करानी है। तो एक सोनू जी थे, सोनू को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, जो एक्चुअल में ये जो भाई है ये वो है जो पीपीएफ करता है खुद, आप इन्हें पीपीएफ लाके भी दे दो तो ये खुद ही आपकी कर सकते हैं, सिर्फ आपसे लेबर चार्ज करेंगे जो भी आप इनसे सेटअप बात करोगे। मेरे से इन्होंने 15,000 रुपये कहा था कि 15,000 रुपये लेते हैं, जगह दे दो, पीपीएफ ला दो, टीपीयू ला दो, नॉर्मल ला दो, ये करके दे देंगे आपको। अब मैं जा रहा हूँ उनकी सर्विस को भी चेक करने के लिए, क्योंकि देखो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सोनू जगह उनका कोई ऑफिस नहीं है। अब ऑफिस नहीं है तो थोड़ा चलो ठीक है भी, पर यह है कि बीच में कोई मार्जिन खाने वाला आदमी बचता नहीं है। कम से कम 20-20 हज़ार रुपये आजकल, 30-30 हज़ार रुपये का मार्जिन है इनमें, और बहुत बड़ा मतलब मेरी तो समझ से बाहर है ये सेरेमिक कोटिंग और पीपीएफ, पर डार्क कलर के ऊपर पीपीएफ कराने चाहिए तो मैंने भी करा ली थी। तो आप भी जरूर अगर हो तो देख लेना, बाकी ये वो आदमी है, आप बात कीजिए, अगर आपको जमता है तो पीपीएफ ला के दे दीजिए या इससे मंगा लीजिए टीपीयू, ये कर देगा आपको, तो सस्ती पड़ जाती है। बीच का मीडियोकर जो मार्जिन, अगर मैं ये नहीं कहता बेचारे वो भी ऑफिस खोल के बैठे हैं भाई, उनके भी खर्चे पानी होते हैं तो मार्जिन उनका भी बनता है, मेरा किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, वो अपनी जगह पर आपको इनका जमता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सस्ता सा काम करा दिया जाए, सस्ता और अच्छा करा दिया जाए। तो अब जा रहा हूँ मैं उनके पास, उस वाले पोर्शन पे जो मेरा निकल गया था उस पर पीपीएफ कराऊंगा। और मेरे लेफ्ट हैंड पे भी फेंडर पे भी एक मैडम आई थी, वो अपने स्कूटी से घिस के चली गई थी। अब मैं देखता हूँ कि क्या वो जो डेंट है वो पीपीएफ के ऊपर है या फिर वो मेरी गाड़ी पे भी लगता है, पर फिलहाल जो मैंने रिमूव किया था पार्ट पीछे का तो मेरी गाड़ी पे डेंट नहीं था, जो थे पीपीएफ पे, और मेरी जितनी भी गाड़ी के स्क्रैचेस पड़े हुए वो सारे पीपीएफ पे है, आई एम श्योर अबाउट इट। ये तो खैर बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे रिमूव करानी पड़ गई थी, वरना जहाँ पीपीएफ होती है वो बचाती तो है इसको। भैया मैं अपनी गाड़ी का वो पीपीएफ लगवाने आया था आपको पता, रिपेयर करने के लिए। तो जब मैं आया तो भाई यहाँ पे अपने भाई हो रहे हैं, ये भी आए थे, ये भी हमारे व्यूअर ही थे, इन्होंने भी वीडियो देख के सोनू से काम कराया था। तो ये भी ब्लैक है, Z6 है, तो इनकी गाड़ी में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं ये चेक करने आया हूँ कि ये सोनू भाई सर्विस देता कैसे है, वो ज़रूरी है क्योंकि देखो दुकान तो है नहीं भाई को पकड़ लें किसी को, एक बार बंदा फुर हुआ फिर कहाँ पकड़ते फिरेंगे, यही दिक्कत होती है इन चीज़ों में। तो लेकिन ये है कि आ गया है सर्विस देने के लिए, ये हमारे बम्पर के ऊपर कोई इशू हुई थी तो ये रिमूव कर रहे हैं इसको, और एक और इशू है। हाँ क्या हाल है, ऑफिस बंद है साहब का? एक ये देखिए, तो अब ये इनको भी रिमूव करेगा, दोनों भी एक पे, एक साइड ही है, दूसरे में थोड़े से लाइंस है। अच्छा इसको रिमूव करेंगे, पहले ये गाड़ी होगी फिर होगी अपनी, दोनों दो एक फेंडर भी मेरी दिक्कत है, एक्सीडेंट हुआ था वो भी रिमूव कराऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कि क्या पेंट रिमूव होता है, और ये भी दिखाऊंगा कि जो पीपीएफ पे डेंट पड़ा है, जो पीपीएफ पे डेंट है वो, या मेरी बॉडी पे डेंट पहुंच गया है। देखिए जैसे हमने ये पीपीएफ रिमूव किया यहाँ से, अब आपको दिखाता हूँ उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं होते, ये एक पीस में हो गया था, अब इसको दो पीस में करेंगे, जैसा नया होता है वैसा का वैसा ही है। ये हम उतार रहे हैं पीपीएफ, आप ध्यान से देखना, ये मेरी गाड़ी पड़ा हुआ देखिए डेंट, एक ये रहा और ये रहा। अब देखते हैं जब पीपीएफ ऐसे उतरती है, भाई देख लो भाई, तूने गर्म ठंडी कुछ की नहीं है, सनलाइट की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, गर्म हो रहा है। हाँ और भाई ध्यान रखना, ये सेल्फ हीलिंग का मतलब कुछ और होता है इसके अंदर, कहीं आप सोचो कि मेरा ये डेंट लगा सेल्फ हील का मतलब है गैप अपने आप भर जाएगा, वो छोटे मोटे ही भरते होंगे। हाँ इसमें बहुत बड़ा ग्रे एरिया है इसके अंदर पीपीएफ में, आप सोचो पता नहीं क्या लगवा लिया आपने, लेकिन अभी देखना, ये देखना है मुझे कि क्या सीन है, और आपसे भी शेयर करूँगा मैं। उतार भाई उतार, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोहेल नाम है। सोहेल भाई, सोहेल लगा हुआ है जो कुछ करके मानेगा जी। अब देखते हैं पेंट भी निकलता है नहीं निकलता है, पेंट नहीं जाएगा, गम फटी है बस।
ये डेंट है ना। अरे वाह भाई, देखो सोहिल क्या कर रहा है। अरे इसकी कम आ गई इसमें। ओहो वेरी गुड जी, कर कर यार, बड़ा बढ़िया तरीका है। तो नाखून इतने बड़े रखे लड़के जैसे, तो ये पीस छुटाने। हाँ हाँ तुम्हारे मुझे काम आते हैं भाई, पीपीएफ में काम आते हैं। ये भी रिमूव कर, देख होता है भाई, बड़ा बढ़िया। देखो ये जो मेरी गाड़ी में डेंट पड़ा था, एक्चुअल में डेंट नहीं था, ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये जो गम था पीपीएफ का वो चिपक गया है और इसने मेरे सारे गम निकाल दिए। ये देखो हो गई रिमूव, क्या बात है भाई, आपके सामने लाइव है भैया। इसमें कोई भी हम ऐसा कुछ ऐड नहीं करते हैं, कोई पॉलिश नहीं है, ये जो भी कर रहा है अपने आपके सामने कर रहा है। और अब हमारे पास एक विटनेस भी हैं जो ऑलरेडी हमारे Z6 के यूज़र हैं, इन्होंने भी हमारी वीडियो को देख के ही उसमें पीपीएफ कराई है। सर्विस चेक कर रहा हूँ मैं सोनू की। अच्छा थोड़ा सा है कुछ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, नहीं, नहीं। वो सब साफ हो जाएगा। अच्छा वॉश हो गया, वेरी गुड। ये भी निकाल दिया, पीपीएफ सब निकाल दियो। तो देखो फ्रेंड्स मैंने ये निकाल दी है, ये मेरी गाड़ी का ओरिजिनल पेंट है। टीपीयू है भाई ये, इसको जितना भी खींच सकते हो आप, ये खींच जाती है। क्या कर रहे हो आप ये? सर ये ग्रामीण पुलिस लगा के देख रहा हूँ। हाँ तो पेट्रोल मिलने जा मेरे को, तो हमारे गम का नहीं सोच रहा हूँ। पेट्रोल से मेरा पेंट तो निकल जाएगा ना? नहीं पेट्रोल से नहीं निकलेगा फिर। ठीक है इधर ड्राइविंग पुलिस लगा रहा हूँ, पेट्रोल मिल नहीं रहा ना मेरे को। ठीक है ताकि लोगों को फायदा हो जाएगा कि पीपीएफ कराएं कि ना कराएं। बिल्कुल थोड़ा Z6 का एक्सपीरियंस शेयर कर लेना अपना। श्योर श्योर डन है। ठीक है ठीक है, मैं वेट करूँगा। श्योर 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 ठीक है, थैंक यू, मिलते रहेंगे। देखो पोर्शन कैसे दिख रहा है वो, ये देखिए बिल्कुल साफ कर दिया भैया ने, ये रहा वो पोर्शन। डेंट थोड़ा पड़ गया है बट पेंट नहीं गया मेरा कहीं। लेके चलता हूँ गाड़ी को अंदर। ये पीस के लिए पहले कटिंग कर रहे हैं नाप के, लेकिन शाइन गाड़ी भी साफ कर दी उन्होंने मेरी, बिल्कुल चमका दी है। ये चिकना है जिसे पीपीएफ नहीं है, ये थोड़ा सा रफ हो जाता है जिसे पीपी हो जाती है, ये चिकना है। देखो रफनेस है इस पर और ये बिल्कुल स्लिपरी है। क्या आप ऊंची सवारी शुरू कर रहे हो? जी ठीक है, ऐसा करते हैं साला ट्रक भी टक्कर मारे ना तो बैंड ना हो। भाई दोनों पीस चेंज कर रहे हैं, वो वाला भी, वो यारी दोस्ती में चेंज कर रहे हैं मेरा। ये सोनू जी तो आए नहीं, सोनू जी के ब्रदर आए हैं। और ये अब मेरा ये वाला पीस तो ये तो कराने कराना था, तो मैं सर्विस बता दूंगा। देखो मेरे को दिक्कत हुई अभी, मुझसे पहले दूसरे भाई आए हुए थे तो आ जाते हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं गुड़गांव में अपना कुछ ठैया भैया बिठा लें ताकि आप पूरे शोरूम टाइप में बना लेंगे, पर हो सकता तब रेट थोड़ा महंगा कर दें। क्यों भाई? अभी फिलहाल कोई किराया नहीं है इनका, तो ये सस्ते दामों पे कर रहे हैं। अगर ये मैं पीस रिपेयर कराता ना भाई कहीं बाहर से, तो मुझसे वो हजारों रुपये लेता। और नखरे मारता वो अलग। लो भी यहाँ भी शुरू और वहाँ भी शुरू। पीपीएफ इंडिया में इजीली मिल जाती है, और आप पीपीएफ ले आते हैं अपनी तो इनको सब लेबर दे दो, इनकी जगह दे दो, फटाफट से आपकी कर देंगे दो दिन के अंदर ही। पीपीएफ आप अपने हिसाब से लेइए, जो आपको अच्छी लगती है, सस्ती लेगी महंगी लेगी आपकी चॉइस है। वैसे ये भी लाके दे देते हैं। मैं अपनी गाड़ी पे पीपीएफ पहली बार कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, मुझे खुद नहीं मालूम था। अगर आपको भी जानना है तो यूट्यूब पर जाइए, आपको सारा ज्ञान फ्री मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगते यूट्यूब पे। नहीं इतना ज्ञान मिल जाएगा कि आप कन्फ्यूज रहोगे कि मैं पीपीएफ कराऊं कि नहीं कराऊं। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि गाड़ी ब्लैक कलर की है तो ज़रूर कराना, वाइट गाड़ी पे आपको पीपीएफ कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर गाड़ी रीपेंटेड है आपकी उस पर भी पीपीएफ मत कराना, क्योंकि जब रिमूव करोगे तो पेंट निकल जाता है। मेरा आपने देख ही लिया है, जैसे कि यहाँ भाई का हाथ ना जहाँ पे, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी रीपेंट की है मैंने,
तो हो सकता है अगर दोबारा कभी लगे, ये तो ओरिजिनल है, यहाँ पे जो भाई कर रहा है यहाँ पे मेरी गाड़ी थोड़ा सा पेंट मैंने कराया है, तो देखेंगे जब कभी रिमूव करेंगे कि क्या पेंट रिमूव होता है कि नहीं होता, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा। अब यहाँ से पूरी पीपीएफ दोबारा हो गई है और गाड़ी मेरी जैसी थी ना पहले वैसा बन गया। अब कुछ भी डेंट वेंट नहीं है मेरी गाड़ी में। जो ये भैया 360 डिग्री देख रहे हो अभी, ये वर्किंग नहीं है अभी भी कहीं, जैसे वर्किंग हुआ मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल बैक कैमरा ही चल रहा है। देखो ये, देखो ये निशान यहाँ दिखेंगे गाड़ी पे आपको, देखो कौन मारता पता नहीं भाई। उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे मेरी जी गाड़ी निशान पड़ रहे हैं आप लोग ही पड़ रहे होंगे। अब गाड़ी आ गई हमारी बाहर, ये जो था फेंडर ये हो गया पूरी तरह से, ये ठीक है, और ये हो गया हमारा पीछे वाला हिस्सा। दो दिन से आ ही नहीं रहा था ना, बट ये थोड़ा एक्सीडेंट हुआ ना तो यहाँ पे स्मूथ तो नहीं है, बट चलो कोई नहीं। लेकिन यहाँ से वापस से मेरा ओरिजिनल पेंट भी बच गया। ये देखिए ऐसे ही ऐसे रहेगा क्या? देखियो नहीं सर, लाइन से आ गए, बबल से लाइन से, देखो लाइन से लग रही है तो बबल का जाएगा, ये चल जाएगा धूप में खड़ी रहेगी तो देख लेंगे भाई। ये कह रहे हैं कि ये चला जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा दिनों में चला जाएगा। लेकिन ये है कि अभी मेरा ये पार्ट था ये भैया ने नया लगा दिया। अब जब सफाई करने वाला इस पर कपड़ा मारता है ना तो मुझे उसको गाइड नहीं करना पड़ता, वरना भाई रोज़ देखता था टेंशन रहती थी। गाड़ी को 6 महीने से ऊपर हो गया है और अभी फ़िलहाल गाड़ी की लुक मेरी ये है। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये 360 डिग्री कैमरा भी चालू करवाना है, तो मैंने पूरा वॉक अराउंड दे दिया गाड़ी का आपको। तो PPF जरूर कराना, अगर गाड़ी डार्क कलर की है तो अपने हिसाब से करा लो। मैंने 55,000 रुपीज़ पे किए थे इसके, क्योंकि काफ़ी बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी में सस्ते होते हैं, बड़ी गाड़ी में ज़्यादा PPF चाहिए होती है। TPU वाली कराना। तो फ्रेंड्स ये शेयर कर लिया मैंने आपसे, अब चलते हैं गाड़ी। कल क्लीनर आ गया मेरा, कल गाड़ी को इसको पूरा अंदर से साफ़ कराएंगे, और फिर सीट कवर की बात भी चल रही है मेरी, हो सकता है गाड़ी में मैं सीट कवर भी डलवा लूँ। और डिग्गी तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैं दिखा देता हूँ गाड़ी की। मैंने सीट जो थी पीछे की दो, ये देखिए संजीव भाई देखना, ये मैंने भाई इसको निकलवा दिया है। देखिए अब इसमें क्या है कि दो छोटे बच्चे लेट भी सकते हैं, बेड बना दिया। हाँ इसके अंदर जितना मर्जी सामान ठूस लो, ठीक है। सीट घर पे पड़ी है, जब मेरा मन करेगा तब मैं। ये अपने भाई सफारी वाले हैं संजीव जी, यही बुलाते हैं PPF के लिए हमें, यही इन्हीं की हम ये यूज़ करते हैं एरिया स्टिल्ट में। इन्होंने भाई आधे गुड़गांव की PPF अपने उससे करानी है हवेली से संजीव जी बिल्कुल। हाँ ये जो सामने गाड़ी खड़ी है इसमें भी 4 साल हो गए PPF हुए किया, ये गाड़ी भी सही चल रही है। पैसा से पहले PPF सोनू से इस गाड़ी पे कराई थी हमने। मैं बार बार बोलता हूँ यूट्यूबर की सारी बातों को फॉलो नहीं करना, जो ज़रूरी है आपको वही काम करा। अब PPF का काम भी ख़त्म हो गया और ये जो मेरा म्यूजिक का था वो भी काम ख़त्म हो गया, देखता हूँ। हाँ वो ठीक चल रहा है, वन टाइम वॉल्यूम भी कम डाउन अप एंड डाउन हो रहा है, तो यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी मेरी। लेकिन ये ट्रिप ए और ट्रिप बी की तो भाई कुछ करना ही पड़ेगा, और चलता हूँ उनके पास फिर जाके दिमाग खाता हूँ उनका मैं, और उम्मीद करूँगा कि शायद महिंद्रा वाले इसको ठीक कर दें, और जैसा होगा आप शेयर करेंगे। आपकी दिक्कत में भी, आपकी कार में भी दिक्कत है, थोड़ा सा वेट कर लो अब नए अपडेट के लिए। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग, जय हिंद जय भारत। ये जो गाने चल रहे हैं ना, ये गाने मेरे फेवरेट है भाई, मुझे ये गाने बड़े अच्छे लगते हैं, आप भी सुनो अच्छा लगेगा आपको। कॉपीराइट।
ऑपरेट आ जाता है भाई, इसलिए ज़्यादा लंबा चला नहीं सकता।